देखें ये बिल्ड भाई ने बैग पकड़ ली है, कपड़ा ले लिया साथ, ट्रैकिंग के फुल मूड में भाई, शूज नहीं दिखा रहे जी, ये शूज भी लिए इन्होंने लंडे से पूरे 500 रुपए के, 2200 रुपए के भाई, 2200 रुपए के, मेरे अगर 500 के हैं आपके 300 के, मेरे 300 के ही हैं, आपने भी लंडे से लिए हैं साथ वाली लेडी से, आपने कहां से लिए ये देखें ना अंदर से नहीं काटते भाई जी जी बिल्कुल, ये देखें जी आवाम ने अपना अपना छापर पकड़ लिया, ये लड़का देखें कैसी तैयारी में है भाई, शर्ट बांटने में हाइकर। आइए नाज़रीन, अब हम आपको दुदीपत्सर लिए चलते हैं, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये ले जी तैयारी हो गई है, सामान पैक हो चुका है, गाड़ी में रखा जा रहा है। बेसर पहुंच गए हैं फूड रेस्टोरेंट, और यहां से लेक का ट्रैक स्टार्ट होगा, बोतल पानी की, बैग देख लें, बिस्किट शिस्किट निम्को हर चीज़ रख ली है भाई, यहां से निकलते हैं। बुरहाल फिलहाल तो बहुत अप है सबका, नहीं जी ये पहला पड़ाओ दरिया क्रॉस होने लगा डोली के जरिए, अगर आपने सामान लोड करवाना है साथ तो आप सामान लोड करवा के इनको साथ लेके जा सकते हैं, इनके साथ हमारी बात हुई है, ये कह रहे हैं आप आगे चलें, हम फिर बाद में आपको ज्वाइन करते हैं। ये जी ट्रैक का बकायदा आगाज शुरू हो चुका है डोली क्रॉस करने के बाद, वो आगे हमारी टीम जा रही है। पहली दफा जा रहे हैं, अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो वाकई बेस्ट ऑफ लक, सीरियसली। ये ले नाज़रीन पुरखतर रास्तों से होते हुए ट्रैक की तरफ रवाना, पहले जी ये पहला ग्लेशियर आ गया, हसन भाई फुल टाइम वीडियो बनाने में बिजी हैं, इसमें उनकी वीडियो बहुत कम आएगी, लेकिन ये पहला ग्लेशियर है, इरफान साहब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आप जब आएंगे काफ़ी लोग आपका हौसला पस्त करेंगे कि नहीं जाना कुछ नहीं है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह का नाम लेकर चलते जाना, और हिम्मत भी बाकी है।
पूरा एहतियात के साथ भाई। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी, ये दो ग्लेशियर हैं जो हम क्रॉस करके आए हैं। एक वो खच्चर आ रहा है अभी, वो पीछे भी दो लोग आ रहे हैं। अब आगे थोड़ी चढ़ाई है, यह खूबसूरत है लेकिन है हार्ड। ये छोटा सा ट्रैक है जी, बारीक सा, ये चढ़ाई चढ़नी होगा। शूज की ये हालत हो चुकी है, कपड़ों की भी। ये सारा लोग सामान लोड करके ऊपर लेके जा रहे हैं मुगला की बस्ती। दोबारा आएंगे, दोस्तों को कन्विंस करेंगे। आसिफ भाई को लेके आएंगे हमारे अर्तगल गाजी के हीरो भाग गए हैं रास्ते में से। दो लड़के असल में ट्रैक करके वापस आ रहे थे, उन्होंने बहुत डराया, उन्हें डीमोटिवेट कर दिया। वो डीमोटिवेट करके तो हिम्मत अपना मोरल डाउन कर दी जी भाई। जज्बा भी है, जोश भी है, हिम्मत भी है, लेकिन टांगे और लत्ते नहीं है, बाकी सारा कुछ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा जी रहे हैं सर। पाकिस्तान जितना खूबसूरत है, आगे आपको इसमें दिखाएंगे, यानी कि ये ट्रैक करें आपको पाकिस्तान की खूबसूरती का अंदाजा होगा। बहुत मजेदार है। अहसन अराइन का चैनल सब्सक्राइब करें और बस ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कह देता जी रजा साहब। जनाब बेहतरीन, जबरदस्त, दूसरी दफा आ रहे हैं आप? तो पहली दफा भी आए हैं जी? जी दूसरी दफा आ रहे हैं। अब दूसरी दफा आ रहे हैं, अब बड़ा एंजॉय है इंशाल्लाह। देखें ये हमारे स्किन कॉन्शियस भाई। ओए भाई नीचे से तो देखें, कोई बात नहीं जी। जी भाई एहतियात करनी चाहिए, पहाड़ी इलाके की धूप है, ये मैंने बारिश के लिए पकड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, अभी तो धूप धूप आगे आ सकती है ना बारिश। और भाई क्या सुनाए? ये भाई के इम्पोर्टेड शूज, भाई का इम्पोर्टेड बैग, भाई की इम्पोर्टेड ग्लासेस, भाई की इम्पोर्टेड छतरी। ये फिर से पथरीला ट्रैक शुरू। मोमिन की पहचान, नमाज का जहां वक्त हो जाए वहां नमाज अदा की जाए। हमारे ग्रुप फेलोज नमाज अदा करते हुए पानी बहुत ठंडा है भाई, पानी बहुत ठंडा है। क्रिस्टल वाइट। नहीं जी, मुश्किल ट्रैक का तकरीबन कोई 80% पोर्शन हम कर चुके हैं और ये देख रहे हैं आप कैसा जबरदस्त काफी एडवेंचरस ट्रैक है ये नज़ारा है। तो हम भाई और मैं थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर हमें क्रॉस कर रही है। तो एक वो आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा, एक ग्लेशियर है और एक कैमरा है। ग्लेशियर क्रॉस करके ज़रा जल्दी चढ़ाई है, चढ़ के तो उम्मीद है आगे से मेडल स्टार्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक डिफिकल्ट पोर्शन है हाइकिंग का, वो हमने कर लिया। अब ये चढ़ाई है जी जो चढ़नी है।
असलामुअलैकुम। कौन करेगा सलाम तुम? ये करेगी ये लड़की बस। और आता नाम कर सलाम सजान। ओ असलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नाजम बीबी। नाजम बीबी। तो तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मुझे शहर में क्यों नहीं रहते हो? माल मवेशी। तो माल मवेशी आप उधर नहीं पालते? क्यों? खुला लाते हैं। बहुत ज़्यादा माल बहुत। तो आगे जब जो बर्फ़ आ जाता तो फिर पिंडी। फिर पिंडी चले जाते हो? हाँ बस 20 एक दिन ही। तो आते कब? आते हम बैसाख में। बैसाख में मार्च में। कब आते? कब आके फिर दोबारा बनाते हैं सारा यहाँ पे? जी जी दोबारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ ठीक हो? मोहम्मद यासिर। तो इधर सिस्टम कैसे चलता है आपका? खाना पीना कैसे? बेसल से लेके आते हो? बेसल से लेके आते हो? खाने पीने का सामान इकट्ठा ले आते हो? इकट्ठा ले आते हो। महीने महीने का क्या पन्ना पन्ना चलता? महीने महीने का। तो लकड़ियों में जलाते हो? लकड़ी उतार के वो इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर उसको बेसल लेके जाते हो? जलखट। यह है जी यू बोटल। यहाँ से आपको चाय बिस्किट अंडे रोटी वगैरह मिल जाएगी। तकरीबन 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये होटल आता है। रिफ्रेशमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट है और हार्ड ट्रैकिंग भी यहाँ तक ही है। आगे मेडो स्टार्ट हो जाएगा जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये आगे तमाम मेडोज ही हैं। चरम भाई ने बच्चों को वीडियो के आरे लगाया हुआ है। गोटा रखड़ाऊ की बस्ती के करीब करीब हम पहुंचने वाले हैं। लश ग्रीन मेडोज़, वो आगे जो टॉप पे पहाड़ नज़र आ रहा है उसके दामन में दूधी पाता है। 6 बज चुके हैं और अभी हम ट्रैक पे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 40 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। बड़ा ही प्यारा सीन है। नहीं जी, मुल्ला की बस्ती का ट्रैक इख्तितामी मराहिल की तरफ बाड़ा है। वो लकड़ी का पुल आ गया, वो हमने क्रॉस करना है। लेडी एहसन साहब एक ब्रिज को, मुश्किल ब्रिज को पार करते हुए, ये लकड़ी का ब्रिज है, Thank you.
थकावट हो चुकी है लेकिन हिम्मत नहीं हारे। अहसन भाई माशाल्लाह वो भी पहुंच गए, सारा ग्रुप मुकम्मल हो चुका है, खाना वगैरह खा लिया हम सब लोगों ने। खाने का टेस्ट शुक्र है इस लिहाज से बहुत अच्छा था, माश की दाल थोड़ी कड़वी थी लेकिन शुक्र है खा ली गई है। चने की दाल फीकी थी, चने की दाल थोड़ी फीकी थी। बाकी इंशाल्लाह सुबह आपको लेक दिखाएंगे इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। हाँ जी जी इरफान साहब, इरफान साहब कमेंट्स करें, इरफान साहब बोलो जो कहीं नहीं रहे। बहुत मजेदार है जी, ट्रैक बहुत अच्छा है, आना चाहिए, लाजमी आए, लाजमी बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे ट्रैक को इंशाल्लाह, आपको सारी उम्र याद रहेगा, इससे अच्छा आपने ट्रैक नहीं देखा। और आसा भाई को मिस के बारे में कमेंट, आसा भाई सारी उम्र मिस करेंगे। हम तो जनाब 8 घंटे में पहुंचे हैं मुला की बस्ती, कल सुबह इंशाल्लाह लेक पे जाएंगे। और चोई साहब और अच्छी जर्नी रही है, सफर अच्छा रहा, 8 घंटे का मेरे साथ मेरा दोस्त गपशप लगा के काफी अच्छी गपशप करते रहे हम, इसकी भी आपको आएंगी वीडियोस इंशाल्लाह। और सबसे जरूरी बात जो बताने वाली है कि ट्रैक कोशिश करें कि सुबह जल्दी शुरू करें, 9 बजे 10 बजे, अगर आप अंधेरे में ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन, अगर आपके साथ गाइडर नहीं है तो आप अपनी कैलकुलेट करके कि सूरज किस टाइम गरूब होता है उसके मुताबिक आप 7 से 8 घंटे कैलकुलेट करके तो सुबह उस हिसाब से निकले मुल्ला की बस्ती तक। उसके बाद आगे लेक के तकरीबन 2 घंटे हैं, वो हम सुबह इंशाल्लाह जाएंगे। ये हमारी जनता जाग चुकी है, ये सुबह 6 बजे का व्यू है मुल्ला की बस्ती का। बहुत ठंडा पानी है, गर्म पानी का बिल्कुल इंतजाम नहीं है, अपना माइंड सेट करके आए। ये देखें ठंडा बर्फ का पानी आ रहा है जिसमें आपको मुंह हाथ धोना पड़ेगा, कोशिश करें पेस्ट साबुन वगैरह अपनी चीज़ें साथ लेकर आए। बाकी बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और स्पेशली जो चीज़ें आपको बताई हैं कि अपनी जैकेट्स वगैरह का लाजमी बंदोबस्त करके आए से, और उसके अलावा रेनकोट लाजमी लेके आए, लॉन्ग सॉक्स जैसे कि ये मैंने पहनी हुई हैं ये यहाँ तक, ये बहुत ज़रूरी है, और मेडिसिन भी लेके आए। जैसा कि मैं ट्रैक करते हुए ज़ख्मी हो गया था, ये देखें मुझे पट्टी करनी पड़ी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अहसन भाई ज़रा क्लोज करें जी, नज़र आ रही है आपकी पट्टी, आपके पंचर नज़र आ रहे हैं। ज़ख्मी हो गया था फिर मुझे पट्टी करनी पड़ी, पट्टी करके तो फिर मैंने अपना ट्रैक मुकम्मल किया, और अब फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह दुधीपत्सर लेक के लिए। वो देखें एक शी जवान भागता हुआ आ रहा है, हाय हाय करता। बाकी सुबह का व्यू कमाल है, ये देखें ठंडे पानी के साथ आपको मुंह हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि गर्म पानी का बिल्कुल इंतजाम नहीं है, ये बर्फ का पानी है, और अर्ली मॉर्निंग है 6 बजे के बाद 6 बज रहे हैं 6:30, तो उस टाइम आप देखें कितने ठंडे पानी के साथ मुंह हाथ धोना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब आपको जुनून हो, ट्रैवलिंग के शौकीन हो, तो फिर ये काम करने पड़ते हैं। ये ले जी लोटे पकड़ लिए हैं, मुल्ला की बस्ती का ओपन एयर वॉशरूम, अभी ये दरिया में से हम पानी भरेंगे इसमें और फिर इस्तेमाल। का ब्यूटी सलून तैयारी ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे जैसे वहाँ पे दो चीज आए हैं आपका इंतजार कर रही है। अपने आप को कवर नहीं करना। हाँ जी लगाओ।
ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਦੇਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਿਲਡਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ये बिल्डर भाई मेकअप करते हुए गांडुआ नु अंजू को पढ़ांदे नहीं हूं मर्दी दे नाल सारे बनाण ला पड़ पावे है एहो जे चमड़ा बना ला पले है छो वो डिपेंड करता ना ये देखे भाई सन लोग लगा ले अच्छे तो आगे आगे रास्ते सही है जानो कि ना थोड़ी सी ब्लैक ना हो आपको टील भाई हमें बताएंगे करवटें बदल बदल के रात गुजर गई है इसकी क्या वजह है क्या आपको आते रहे इतनी रात को लेटे हुए हो गई क्या कंफर्टेबल नहीं अंदर से या क्या किस चीज अंदर सर्दी लगती है कि नहीं लगती वैसे सर्दी है नीचे सर्दी है नीचे से सर्दी है ठीक है ठीक है यानी कि आपके जो कमेंट के खेमे इतने अच्छे नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर गुजरी और खेमों के बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके गवर्नमेंट को इधर तवज्जो देनी चाहिए कि नहीं ये आप सेटिस्फाई हैं मुकम्मल भाई सच्ची बात ये है कि रात को बिल्कुल नींद नहीं आई लेटे रहे हैं सारी रात ठंड भी लगती रही है और नींद भी नहीं आई ठीक है ठंड तो शायद कवर हो ही गई थी गर्म कर लिया था अपने आप को जैकेट में क्या खैमों की ये क्वालिटी नहीं है जो आप जो जरूरत इधर के टेम्परेचर के मुताबिक अनइवन है शायद ग्राउंड जहाँ पे इन्होंने खैमा लगाया हुआ है या क्या वजह है कोई रीजन का नहीं पता एग्जैक्टली क्या वजह है किस वजह से नींद नहीं आई तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को इमरान खान साहब इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे नोटिस ना ले क्यों खान साहब जिस पे नोटिस लेते हैं वो चीज या तो खत्म हो जाती है या डबल ट्रिपल हो जाती है यानी कि ये आप जो खेमे में वीडियो में दिखा रहा हूँ खान साहब ने नोटिस ले लिया तो ये खत्म हो जाएंगे यहाँ से बिल्कुल उम्मीद तो यही है खेमे जो है ये आपको 1200 रुपए में मिल जाता है सही और अगर आप ट्रैक के लिए आए तो आपको इधर स्टे करें और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के जैसे अब हम निकले हैं ये जैम ब्रेड वगैरह साथ लेके आए हैं नाश्ता करके तो हम जा रहे हैं लेक साइड पे तो लेक से वापस आके हम सीधा वापस बैक टू यूनियन बेसल जाएंगे यानी कि बेसल से ये रास्ता निकलता है कहने का मकसद है और रास्ता खतरनाक है कि क्या इजी है रास्ता बस जो स्टार्ट की 2.5 घंटे की हाइकिंग है वो जरा टफ है उसके बाद मेडो स्टार्ट हो जाते हैं इतनी ज्यादा चढ़ाई नहीं रहती लेकिन ओवरऑल जो है ना वो ट्रैक बहुत ज्यादा लेंथी है मतलब हमने 11 बजे मैं अपनी बात करूंगा मैंने 11 बजे स्टार्ट किया था उधर बेसर मून रेस्टोरेंट से तो हम रात को जो है वो 7:30 बजे करीब तकरीबन 8 बजे आए हैं आप 8 बजे पहुंचे यानी कि आपने टोटल 7 कितने घंटों में लग गए 9 घंटे हो गए ना 9 घंटे हो गए 11 से 8 मैं बोल रहा हूँ ना करेक्शन मैं आप आगे कर देना आप बताएं कि आपका 8 घंटे लगे हैं या मुझे यहाँ पे आते हुए 8 घंटे लगे हैं लेकिन ये है कि मैं फुल टाइम रेस्ट करता करता आया हूँ बीच में 15-15 मिनट हर मेडोज पे लेटता रहा हूँ आपका कितना वजन है ताकि लोगों को पता लग सके कि इतने वजन वाला आदमी भी इधर इजी आ सकता है ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि अक्सर लोग जो है115 kg यानी कि आपका 115 किलो वजन है और आप इधर पहुंच गए हैं 9 घंटे का ट्रैक करके 6 kg का मैंने बैग भी कैरी किया हुआ था ठीक हो गया कई लोग थे कि जो ये कह रहे थे कि जी 11 घंटे आप नहीं पहुंच सकेंगे वेट आपने बहुत ज्यादा कैरी किया हुआ तो जाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी यानी कि आप मोटिवेट कर रहे हैं कि 10 kg के आप आ सकते हैं तो फिर आपसे लो वेट तो वेरी इजी इधर पहुंच सकते हैं लेकिन ये है कि आप अपना मोरल और स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टारगेट्स बना के अली निकले और जो है ना रास्ते में रेस्ट करते करते आए कोई जल्दी नहीं है क्योंकि आगे आपने किसी को ना टाइम दिया था ना कोई आप इंतजार कर रहा है इसलिए शाम होने से पहले यहाँ पे आप पहुंच जाए उस हिसाब से आप स्लोली ट्रेवलिंग करते रहे और रास्ते में जो है वो स्टे करते करते कोई इशू नहीं है आप पहुंच जाएंगे चलें जी अब हम आपको चाय दिखाते हैं जो इधर की चाय है जिसका कप का रेट 50 रुपए है ओके ये जी चाय का होटल हमारे रजा साहब चाय पी रहे हैं एडवांस इन्होंने यहाँ से ले ली है चाय ये इधर का एक ही होटल है मुला की बस्ती का यहाँ से ही आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है हर चीज़ तो नहीं खैर दाल माश दाल चना और चाय रोटी बस इसके अलावा कुछ नहीं किचन का इनर साइड व्यू भी दिखा देते हैं आपको दुम्बा भी मिलता है लेकिन वो गलेगा नहीं जैसा आपने दाल का हाल किया हुआ था ना दुम्बे का तो बेड़ा करा की करोगे दुम्बे की ऐसी दी तैसी फेरोगे ये जी इनर साइड व्यू है और ये चाय हमारे लिए बन गई है क्या नाम है आपका अस्करी ओ किदी पा लई यू सिक्योरिटी वाले दी अच्छा अच्छा ये अंदर ही चाय पी रहे हैं ले जी 8:15 हो चुके हैं और अब हम
लेक के लिए रवाना हो रहे हैं। ये राणा साहब के शूज देख लें, उड़ चुके हैं, तला लैदा हो गया है, लेकिन राणा साहब का मोराल फिर भी अप है, पैदल लेक की तरफ जा रहे हैं। आप जब भी आएं अच्छे ट्रैकिंग शूज पहन कर आएं ताकि ये वाला हाल ना हो। इधर कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, या बेहतर तो ये है कि फिर आप दो शूज ले आएं। एहसन भाई जो कि इस टाइम दुधीपत्सर लेक का ट्रैक कर रहे हैं, हमें अभी चलते तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं। एहसन भाई लग रहा है कि थक चुके हैं जी। एहसन भाई नहीं नहीं थके नहीं है, मोराल अप है। वेरी गुड वेरी गुड। 2 घंटे का ट्रैक कर लिया तो आज 2 घंटे का क्या करता है, इंशाल्लाह ये भी होगा इंशाल्लाह जी। हरि साहब ठीक है, वेरी गुड। डेंजरस तो नहीं है लेकिन आपके शूज गीले हो सकते हैं जी। एहसन भाई के शूज गीले होने का खतरा है, इस वजह से उन्होंने ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर लिया है। डेंजरस नहीं है लेकिन आपके शूज गीले हो जाएंगे जो कि आगे आपको तंग करेंगे, इसलिए कोशिश करें कि जितनी खुशक जगह पर चल सकते हैं चलें। ये देखें खुशक जगह पर चल रहे हैं, वेरी गुड। एहसन भाई दुधीपत्सर के ट्रैक पे हम जा रहे हैं मुल्ला की बस्ती से। थक गए? थक नहीं गए, सांस ले रहे हैं क्योंकि ट्रैक है 2 घंटे का, कंटिन्यू चलना जो है वो तो नामुमकिन सी बात है। तो रास्ते में जरा वेट करते हुए जा रहे, रेस्ट करते जा रहे, साथ दोस्त के साथ पीछे जो है मिल जाएंगे साथ हमारे। बड़ी प्यारी मेडोज है यहाँ पे, बहुत प्यारा व्यू है, जरूर यहाँ पे है। और एहसन भाई के जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ये जी हमारे रजा भाई आ रहे हैं हिम्मत मारते हुए, जो के पहले इनकार कर बैठे थे। शेख साहब ये हमारे बेस्ट जी ट्रैकर, शुगर की हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ट्रैक भी किया और अब आगे भी कर रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू। अभी दुधीपत्सर पहुंचे तो नहीं लेकिन उससे पहले ही माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू नजर आ रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे राणा साहब को क्रल पड़ गई और चौधरी डॉक्टर हकीम हारिस साहब करल दूर करते हुए। जी राणा साहब कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत करल सी पड़ गई है, पेन हो रही है। फिर आप यहीं रह जाएंगे? अब नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। साहब फिट होने के बाद? हाँ जी राणा साहब बेहतर आ रही है, बेहतरी आ रही है, बहुत बुरा हाल है। जी ये लास्ट पहाड़ है, इस चढ़ाई को क्रॉस हमने करना है तो आगे दुधीपत्सर लेक है। ये जी लेक के बिल्कुल पास पहुंच के जरा रेस्ट हो रहा है।
ये ना जी इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगी हैं। आपको लेक का व्यू दिखाते हैं। इस लेक को कहते हैं जी क्वीन ऑफ लेक्स दुधीपातसर। ये ना जी ये है वो लेक जिसके लिए हमने 8 घंटे पहले कल मुल्ला की बस्ती तक और 2 घंटे का मुल्ला की बस्ती से आज ट्रैक किया। दस घंटे की मशक्कत के बाद ये सीन देखने को मिला। ले जी इस टाइम हम दुधीपातसर लेक के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और ये हमारे सारे ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हैं और मुल्ला की बस्ती से तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। मुल्ला की बस्ती से जब आप दुधीपातसर तक आते हैं जो एंड वाला तकरीबन 20 से 25 मिनट का ट्रैक है वो थोड़ा टफ है क्योंकि वो थोड़ी चढ़ाई है, बाकी तकरीबन स्मूथ मेडोज हैं। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो नज़ारे हैं जी। बताएं सारे कैसा आपको लगा? बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा जी, बहुत मज़ा आया। बड़ा ख़तरनाक है लेकिन बहुत मज़ा आया हमें। मुल्ला की बस्ती से यहाँ तक रास्ता तो काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जो स्टार्ट पे सिर्फ 2-2.5 घंटे हैं, जब आप बेसर से स्टार्ट करेंगे ना वह थोड़ी सी मुश्किल आती हैं लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। पहले आप सिर्फ मुल्ला की बस्ती से इधर तो कोई टेंशन नहीं, 2 घंटे में आप इजीली आ जाते हैं। कोई पथरीला ट्रैक नहीं है, कोई ऐसा ट्रैक नहीं है, स्मूथ मैदान है, आप इजीली चल के आ सकते हैं जी। बिल्लो भाई जी देखें, अच्छी लेक है, अच्छा व्यू है, 10 घंटे का ट्रैक है, इतना आसान भी नहीं है जो बता रहे हैं ना राणा साहब, जो आपको बता रहे हैं ये 50 दफ़ा लेट गए हैं रास्ते में, सोच हो गए। वो कहते हैं ना घसीट घसीट के पहुँचे हैं इधर, पहुँच गए लेकिन पहुँच जाता बंदा अगर ही बता रहे तो, इतना मुश्किल नहीं। ये हमारे सीनियर जो ट्रैकर रजा साहब उनके कमेंट्स लेते हैं ये इरफान साहब के लिए। जी जनाब बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, मुल्ला की बस्ती से आगे जो है वो ट्रैक बहुत मज़े का है, देखने वाला है, लाजमी विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन अच्छी जगह है। चलें जी अब बाकी पार्टिसिपेंट्स की। ये शेख साहब ये हमारे पार्टिसिपेंट्स पहले भी आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, मोहब्बत हमें दोबारा कैच लाई, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है फिर हिम्मत करनी चाहिए और हिम्मत करो, फल पाओ, खूबसूरत ट्रैक है, ऑक्सीजन की कमी है ये ख्याल करिएगा आने वाले हजरात, आज इनको सांस का प्रॉब्लम है, आइएगा प्याज, यहाँ का जो लोकल फार्मूला है कि प्याज रखें साथ अपने, वो आप सूंघे भी और साथ साथ खाते भी रहे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी, अदरवाइज आपके लिए परेशानी बनेगी जिनको ऑक्सीजन का इश्यू आता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, आने जाने का ट्रैक बड़ा जबरदस्त है। ये लेक का भी दिखा देते हैं आपको, मुकाता ही ना दे दो, चलो जी बिस्मिल्लाह करो जी। ए के दिए बरसाती तेरी साहब छोड़ा ना इरादा है छोड़ दे, कोई नहीं बारिश से आई कोई नहीं, मैं बरसाती